नमस्कार भाई लोग, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक और ब्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों, आज है संडे और संडे के दिन आज एक्चुअली हमारा एक व्रत है, छठ पूजा से रिलेटेड ये व्रत होता है। और सभी आप जानते हो कि छठ पूजा क्या होता है। तो भाई, सुबह सुबह उठाऊँ, सुबह सुबह उठकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट गया, मार्केट से फल वल थोड़े लाने थे, फल दूध वगैरह लाया। अभी देखो, पूरा घर को मारा हूँ झाड़ू और अब लगा रहा हूँ उसमें पोछा। पूरा अभी पोछा लगाना है इसके अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पे पूजा करना ज़रूरी होता है भाई। और पूजा करने के लिए ये देखो, सारे गैस वे सारा पूरा धो धा के रखा हुआ है ना। अभी फटाफट इसमें पोछा मार लेते हैं। फैन करो, ऑफ, चाबी ठक ठक और चलनी भाई। तो दोस्तों, अभी हम चल दिए केसों को लाने के लिए। केसों को लाने अभी जा रहा हूँ। इधर लगी है मेरी सवारी गाड़ी, ये हो गया चालू। अरे मेरे केसो आ रहा होगा उधर से। शायद नहीं आया अभी तक यार। समय आया अभी, कैसे आ ही रहा होगा भाई। मैं नहा लिया हूँ, इसे हमें धोने का है। चलो इसे धो लेते हैं। अरे देखो, हमने कैसे अपने खाना बना दिया, वेज बिरयानी। यस, तो ये हमारी फल की थाली होगी।
किए रहे घर पे। चलो मम्मी को कॉल करो। अभी यहाँ पे खरना करना है, लेकिन अभी खरना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेट कर रहे हैं कि सीओ आ जाए एक बार। ये देखिए अभी मेरा सारा अर्ग वर्ग मैंने दे लिया है, अब खरना बाकी है, यानी कि अभी हमें वो फल वल थोड़ा खाना पड़ेगा, उसके बाद हम सीधा शाम को एक बार पानी को दोहराया जाता है, यानी कि आपको पानी दोबारा पीना है, और उसके बाद फिर आप रात भर पानी नहीं पी सकते, खाना तो बोल जाएगी। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ, खरना का काम बाकी है, खरना ही करने जा रहा हूँ। शिवम आ रहा है तो बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकता, मतलब बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं होना होगा जब मैं खा रहा हूँ, तो और एक बार खा कर ही आपको उठना है, पानी वानी पी कर खाओ कर ही उठना है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ पहले उसका। मेरा खरना हो गया कम्प्लीट और शिवम भी आ गया है, तभी मैं जा रहा हूँ शिवम से बात करूँगा, थोड़ा से बहाने मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाए आज का, मज़ा आ गया। चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली हमारा व्रत ख़त्म हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ नहाने और नहा कर करूँगा पूजा और उसके बाद करूँगा पेट पूजा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने लिए आज क्या बनाया है। मैंने अपने लिए बनाया है शानदार सा बटर मैगी, और ये आपको शायद ऐसा दिख रहा होगा बट ये है बहुत टेस्टी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज टमाटर एंड बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, तो ये बहुत शानदार है। तो भाई लोग फाइनली हमारा नाश्ता पानी सब हो गया है, व्रत पूरा कंप्लीट हुआ और अब ऑफिस की तैयारी, तैयार होके बैठा हूँ, बस 15 मिनट में निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड ये ब्लॉग प्लीज़ लाइक कर लेना, एंड चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे मैं अपने लाइफ से जुड़ी हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।